नहीं पढ़ रहा। अब वीडियो में आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन की वीडियो होती है, ठीक हो गया तो ये स्कूल तो जाता ही नहीं है, ट्यूशन पर जाता है, ट्यूशन पर रेगुलर जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ संडे वाले दिन जो है ना वो छुट्टी होती है, बाकी कोई नागा नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2,000 रुपये फीस हम दे रहे हैं, तो आप ऐसा ना कहा करें, ना कहा करें, मैंने पहले भी आप पूरी वीडियो देखते नहीं है तो फिर आप ना बोलना शुरू कर देते हैं, फिर अगले बंदे को भी दुख होता है, तो बाकी रथ खत्म करेगा इंशाल्लाह। बारी और जाए नहीं वो आ रही है तेरे जो अच्छा अभी मुर्गियों और कबूतरों को मैंने एक साथ ही उनकी फीड वगैरह जो है ना वो डाल दी, दाना वगैरह, अभी अभी तो इत्तेफाक से खा रहे हैं, बाकी थोड़ी देर तक इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर देना। जना हमारी जो छरना है ना वो आ चुका है भैंस के लिए। ओ तोड़े चने तो सा तोड़े आना। नहीं हाँ टूटा है भाई, काहे टूटा है ये टूटा है नहीं बात। और अली साहब जना हमारे साथ साथ है, चल थहीं ला थहीं का फोड़े का ला जाना का आओ तलाने ला चल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह मशीन लग चुकी है और पहले एकड़ का जो हिसाब किताब है ना वो जनाब आ गया है। तो ये टोटल जो पड़ी है ना ये 10 एकड़ की पड़ी हुई है, इसके अंदर 10 एकड़ में सिर्फ 3 एकड़ जो है ना वो जना हमारे, तो बाकी सारे उनके, मतलब 2.5 एकड़ हमने ठेके पर ली थी और 1/2 एकड़ ना उसके बाद फिर जो वो लगी लगाई हमने ली थी, उसने कहा मुझसे खर्चे नहीं होते, एक बंदा था यहाँ पर उसने कहा खर्चे नहीं होते ये नहीं होता, हमने कहा चलो ठीक है आने दो। तो मुर्गियाँ मुर्गी को मैंने छोड़ा हुआ है, मेरा ध्यान उधर भी है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वाला है वैसे तो, बाकी अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। इसमें से कितनी रखनी है वो तारा बरकत से पूछते हैं कि कितनी रखनी है, क्योंकि हम 3 बंदे हैं खाने के लिए, तो तारा फिर कितना बोलेगी उतने रख लेंगे, बाकी जो हम सेल कर देंगे, बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं। हाँ जी हमारे लिए 2 से 3 मनी बहुत है, इतनी ज्यादा हमने क्या करनी है? मैंने भी यही आइडिया लगाया था कि मतलब इतना बड़ा है, हम पहले चावल खाते थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि चावल कम खाया करें, उसके बाद हम चावल बहुत ज्यादा ही कम खाते हैं, तो इसलिए फिलहाल 2 से 3 मन जो है ना वो हमारे लिए बहुत है, साल पूरा आराम स्कूल से निकल जाएगा, तो बाकी हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कर देंगे कर देंगे, तो बाकी आप दुआ कीजिएगा कि अच्छा अच्छा हिसाब निकल जाए। वैसे देखने में तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है सब कुछ कि अच्छा हिसाब निकलेगा, लेकिन जब वो तोलते हैं ना उस वक्त कुछ और ही निकल आता है काम, तो बाकी बस आप सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह बाकी करम करेगा इंशाल्लाह। फिलहाल नाश्ता आज बना रहे हैं, सूरज जो है ना वो काफ़ी ऊपर आ गया, हालांकि इस वक्त अच्छी खासी सूरज की रोशनी होती लेकिन आज धुंध है साइडों पर, रात को सर्दी भी अच्छी खासी पड़ी थी, तो नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ता बनाने के बाद अवैस और तारा जो है ना वो घर चले, क्योंकि यहाँ पर फिर वो तोलने वाले आते हैं, आते वो तकरीबन 15 से 20 होते हैं, तो फिर बंदा अच्छा नहीं लगता वैसे भी, ये 4 दीवारी नहीं है। अब ये ना कर के कह दीजिए कि जिस तरह पहले मैं एक बार मैंने बोला था कि लो जी वीडियो तो बनाते हैं उसमें कोई नहीं होता, तो वैसे आपको शर्म आती है, ये होता है वो होता है, वो भाई वीडियो बनाना एक और चीज़ होती है, एक फेस टू फेस बंदा किसी से मिलता है या कोई देखता है तो वो एक और चीज़ होती है, लेकिन वो बस जिनके अकल छोटे हैं उनको समझ आ जाएगी, बाकी अल्लाह तआला करम करेगा, अकल छोटे हैं समझ गए ना, बाकी अल्लाह तआला करम करेगा इंशाल्लाह। तो ये बात है दरअसल, तो इसलिए फिर तैरा को ना आवास और तैरा कोई 2-3 घंटे के लिए चले जाएंगे उधर गांव में, तो फिर जब वो तोल कर चले जाएंगे सारा कुछ वेट करके फिर वापस आ जाएंगे। हमारी बकरी छोटी जो है ना वो जनाब थोड़ा सा काम ख़राब कर गई है, ले 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 फाड़ ले फाड़ ले, उसने कुंडी कहीं से ना इधर से उधर होगी उसकी, आ वेख हम देख काट कुंडी आ छाड़ दे मैनू दे, हाँ थले कर के थले गोट उन्हों ला दे ਸਮੋਨਾ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲੀ ਪੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰੀ ਆ ਜਾ ਇੰਨੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚੋ अभी हम बनाने लगे हैं, यहाँ पर जो भैंस हमने लेकर आनी ना आज या कल इनशाला लेकर आनी है, तो यहाँ पर दिन को बांधेंगे, यहाँ पर हमने कमरा बनाना है, कमरा पता नहीं थोड़ा लेट बनेगा जो भी बनेगा, इन ईंटों को उठाकर हमने वहाँ साइड पर लगा देने, उस साइड पर एक तरह की दीवार भी बन जाएगी और ये ईंटें भी उस साइड पर चली जाएंगी, तो वैसा हो जाए फिर रेडी। आज ला लिया ना ची 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 लाई हुई है, इतना शोर कर रही है, इतना शोर कर रही है ना बस बता नहीं सकता, वैसा चेक कर चेक कर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਵੇਖੇ ਮੁਰਗੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ,
पहले तो बेचारी या चावलों के अंदर जाते थे ना, नेवला पड़ जाता था, तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आप देखे माशाल्लाह कितनी दूर तक जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसायल नहीं है। नहीं नहीं में ही है, आगे नहीं दे रहा, कणक है ना, कणक डिगी उस तो बाद थोड़ा बंद करना पड़ना है। हूँ कणक कोई होगी ना फुट फुट जी मोड़ छाड़ देनी है। अभी पालक जो है ना इतने हूँ पैर तू लाए रखे ने, आप तो तू चढ़िया रहे पालक वगैरह थोड़ी सी तोड़नी है क्योंकि कहीं बेचनी है, तो यहाँ से शुरू होते हैं। ये साइड जो है ना ये तोड़ देते हैं, आ जाता उत्थे ही। जना हमारी जो छरना है ना वो आ चुका है भैंस के लिए। ओ तोड़ा चने तो तोड़े आना नहीं, हाँ टूटा है टूटा है अली साहब जना हमारे साथ साथ है। चल थी ला थी फुटेगा ला जाना आओ लाने ला चल ला चल दूर देखने लगा चरना जो ने वहां पर रख दिया है। अब इसके बाद वैस साहब रोटी खा दी, रोटी खा दी खानी का रोटी बड़ी खा दे अंदर वाली जो पराली हमने डाली थी ना कुछ दिन पहले, वो हमने जनाब निकालनी है बाहर सारी, ये क्योंकि वीठो से थोड़ी खराब होगी उनके स्टार्टिंग नहीं वीठो से इंग्लिश है ना वीठो। तो अली साहब आप पराली चुक के लै आइए एक नाल पे चुक के तू इत लाया असि अंदर साफ कर लिए मुड़ो साफ करके हो आ जा हूं अभी मुर्गियों और कबूतरों को मैंने एक साथ ही उनकी फीड वगैरह जो है ना वो डाल दी दाना वगैरह। अभी अभी तो इत्तेफाक से खा रहे हैं, बाकी थोड़ी देर तक इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर देना। कबूतरों ने उनको मारते हैं, अब मुर्गियां उनको मारती हैं, दोनों एक दूसरे का बदला लेते हैं। और हमारे मियां मीठू हैं अभी यहाँ की सारे इंटे जो है ना जनाब हमने यहाँ पर लगा दिए, इस साइड पर सारा कवर हो जाएगा, इधर से वाला जो है ना डर वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगा हमारा। बकरियां हमने सेल कर देनी है, भैंस हमारी कल तक आ जाएगी, वो हम यहाँ पर बांधेंगे इंशाल्लाह। आधे से ज्यादा जनाब इंटे जो है वो हमने जनाब जोड़ कर रख दिए हैं, अब दुआ कीजिएगा कि ये कल हम क्लियर करके हमारी भैंस यहाँ पर बंध जाए बंध जाए बंध जाए, कल शाम का दूध जो है ना हम दोहे 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 और पिए 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 ऐश करें ऐश करें। तो वैस साहब क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा ख्याल है, हमारी भैंस जो है ना कल इंशाल्लाह शाम को आ जाएगी और हमने उसका दूध जाना वो लेना उसे और पी जाना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, भैंस मतलब के घर से लेकर आ रहे हैं हमारी अपनी है समझ लो, तो ना इतना ज्यादा दूध ना काम है, मतलब उसका बेबी को दो ढाई किलो उसके बेबी को छोड़ बाकी ढाई किलो बचता है, मतलब एक टाइम का पांच किलो दूध है जिसमें से ढाई किलो जो उसका बच्चा पीता है, उसके बाद शाम को ढाई किलो उसका बच्चा पीता है और पांच किलो हमें मिल जाता है, दस किलो टोटल है, दस में से पांच पाया उसके बच्चे का और पांच हमारा होता है। होगा इंशाल्लाह। निकाली थी पेटी में से आज मैंने उनको कहा भी था आशिया को और फैजा को, उन्होंने कहा निकाल लेंगे, तो फिर मुझे आते हुए याद ही नहीं रही, कल लगड़ भी लेकर आएंगे, कल लाएंगे ना। बड़े बाल कितनी बड़ी किलो दी है बाकी कोई नहीं, अल्लाह करम करेंगे इंशाल्लाह फिर कल ले आएंगे ना देखा जाएगा। आप जनाब सब कुछ छोड़े हमारे शेरों की सोने का स्टाइल चेक करें, आप उनकी सोने का स्टाइल चेक करें, हैं पैर रखे मुंह ते मुंह रखे थले, पता नहीं केड़ी नस्ल दा कुत्ता दी कोई समझ नहीं आती सानू, एक है पता नहीं केड़ी एक है है इनकी है सुत्ता पे स्टाइल ना। और शीला जो है ना वो यहाँ पर सो रही है क्योंकि शीला को ये सोने नहीं देता उस जगह पर, लेकिन बेचारी फिर ना यहाँ सोती है ये आजकल। अभी हमारे सोने की तैयारी हो रही है माशाल्लाह, मैं सोता हूँ बाहर, तैरा और वैसे होते हैं अंदर, इसलिए मेरा बिस्तर जो है ना वैसे सब तैयार कर रहे हैं आज स्पेशल। माशाल्लाह माशाल्लाह खुदा की कुदरत, चांद आज अरूज पर है और इर्द गिर्द हर तरफ रोशनी है, बड़ी दूर तक मतलब के नज़र जा रही है,
हालांकि जब ये टाइम होता था, सूरज कह रहा हूँ चांद नहीं था, तो फिर जनाब यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन आज माशाल्लाह दूर दूर तक मतलब पता चल रहा है। अगर यहाँ से काफी फासले पर बंदा होना तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई बंदा है। एक कमेंट आया हुआ था कि आप अवैस को स्कूल नहीं भेज रहे, आप उनकी तालीम खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, लोग शहर जाते हैं, आप देहात में आ गए हैं, जंगल में आ गए हैं, मंगल में आ गए हैं। तो मैंने पहले भी एक बार वजाहत के साथ सब कुछ क्लियर किया था कि वहाँ से इधर आया ना, तो वो बोर्ड था लाहौर बोर्ड, ये था साहिवाल बोर्ड, तो यहाँ पर उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, काफ़ी मतलब कि साइन ये करवाना है वो करवाना, तो वहाँ पर भी मतलब कि ना 9th क्लास भी इसने प्राइवेट की देखी जाए तो। अब मतलब यही सोचा था कि इधर ट्यूशन पर ये जाता है, ठीक हो गया, 3 साढ़े 3 घंटे जो है ना ट्यूशन पर जाता है ये, और यहाँ पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहा। अब वीडियो में आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन की वीडियो होती है, ठीक हो गया, तो ये स्कूल तो जाता ही नहीं है, ट्यूशन पर जाता है, ट्यूशन पर रेगुलर जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ संडे वाले दिन जो है ना वो छुट्टी होती है, बाकी कोई नागा नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2,000 रुपये फीस हम दे रहे हैं, तो आप ऐसा ना कहा करें, ना कहा करें, मैंने पहले भी, आप पूरी वीडियो देखते नहीं है तो फिर आप ना बोलना शुरू कर देते हैं, फिर अगले बंदे को भी दुख होता है, तो बाकी रखना खत्म करेगा इंशाल्लाह। बाकी रही ये शीशे की बात, ये हमने समझ लो उतार दिया, अगली वीडियो में आपको ये नज़र नहीं आएगा, अभी रात है तो बाहर इसको कहाँ फेंकेंगे, ये समझ नहीं आ रही मुझे, तो शीशा जो है ना वो हम कल इंशाल्लाह इसको तोड़ फोड़ शोड़ कर जो भी करना पड़ा कर देंगे, क्यों तेरा बरकत, क्या ख्याल है? हाँ जी बिल्कुल, फेंक देंगे इसको कल इंशाल्लाह। फेंक हाँ, क्योंकि 1-2 मिनट्स पहले भी आए हुए थे, कल फिर आए हुए थे कि आपने ये शीशा जो है ना टूटा हुआ अच्छा नहीं होता, आप इसको उतार दें, तो इंशाल्लाह कल इसको उतार कर फेंक देंगे। अवैस साहब, आपका ट्यूशन सही जा रहा है? ओके, बिल्कुल ठीक जा रहा है। जाते हैं आप ट्यूशन पर या नहीं? जाता हूँ जाते हैं, चलो जी शुक्र आप है, दिखाया करें ना वीडियो जब में, जाता है जाते को भी आते को भी, और चलो उसके अलावा कल से इंशाल्लाह जब ये सुबह उठकर पढ़ता है तब भी, जब दोपहर में ओके पढ़ता है तब भी, कल से इंशाल्लाह कल वाले वीडियो में आपको दिखा देंगे कि जब ये आ रहा है जब आ रहा है जो कुछ भी है, फिलहाल ठीक हो गया। बाकी हमें पता है हमारा बेटा है, हम इनकी तालीम से आया, हम ख़राब नहीं होने देंगे, और बाकी 100 इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, शहर में अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी हमारी मजबूरी, आप समझें, पता नहीं आप क्यों नहीं समझते हमारी बात को, ठीक हो गया। पैसा हो तो शहर में बंदा रह सकता है, वरना यही जगह हमारे लिए सही लगी थी, हम यहीं पर आ गए, बात क्लियर हो गई, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रात होगी तोते जो है ना वो हम अंदर लेकर आ गए, और बड़े सुकून के साथ बैठे हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बर्तन तारा बरकत जो है वैसे तो वाश होने वाला, ये कितने किलो केजी की भला, लीटर की या केजी की? तकरीबन 1.5 से 2 किलो की, बस 1.5 केजी की, इसमें 1.5 केजी दूध लेकर आए हैं, तो ये ना ऊपर उबाले तो ये ऊपर निकल आता है। अच्छा, 1.5 से 2 किलो इसमें, चलो सही, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। फिर वही ले आना जो आप कह रही है ना वो ले कर आइएगा। 7 किलो कितने का? 2.5 किलो था, भरा चला लेने, नहीं वो लाइम अगर छोटी हो तो 3 किलो तक हो, वड्डी हो तो फिर रहने दे, वो भी लाए 7 किलो दियो फिर ठीक है, क्योंकि आपा फिर बाद इस गांव में ले लेंगे। चलो ठीक हो, गांव पे ले लेंगे, वाह भाई जी, झाड़ियां हो रही हैं तो झाड़ियां तो मोड़ की काम जो करके आते हैं, तेरा वेले बैग थोड़ी खांदे पे हैं, किड़ा है स्टाइल, ओ बस करो आराम। भैंस के लिए जो झरना हम लेकर आए ना वो तेरा ने देखा नहीं अभी तक, तो अभी लाइट चला चला कर देख रही है की है, बस सही है माशाल्लाह ठीक है। तो अभी इनके साथ ना वो कुंडे वगैरह नहीं लगे हुए, हमारे दादा यहाँ पर 1-2 कुंडे लगाकर उसके साथ रस्से के साथ बंदा भैंस को बांध देता, फिर वरना फिर नहीं नहीं बड़ी वजह नहीं छिकती, हाँ कोई मसला नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा। अंधेरे में क्या करी कुड़िए, आग जलाने लगी कुड़ी, 2-3 सिट्टे पड़े हुए हैं, मैंने सोचा वही बॉयल करके खाते हैं। सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात। आज हमने खाना लेट खाया था तो भूख नहीं थी, तो हमने खाना नहीं बनाया, तो हमने सोचा थोड़ा चस्का ही मार ले। चलता चलता कोई मसला नहीं। हाँ जी शेरू, हाँ तेरी भूख मरी या और ले आ दी दिन कुछ है, इन्होंने आज बहुत गोश्त खाया, बहुत ज्यादा गोश्त खाया इन्होंने। चलो जी फिलहाल इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करने लगे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेंगे और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक अल्लाह अल्लाह नहीं के बाद अपना ख्याल रखें, आप दोस्तों ख्याल रखें, हमें तो हमें जरूर रखिएगा। बाकी मुर्गियां मैं आपको दिखाता हूँ, मुर्गियां जनाब बड़े शौक से बैठी हुई हैं, कितने कितने बैठी ने वास्ते बाल मुर्गियां जो है ना उनको अंदर, आज मैंने अंदर वाली सारी पराली जो है ना वो बाहर निकाली है, उनको हमने आग लगा दी थी दिन को ही, आपको दिखाया भी था,
बिल्कुल अब आग जो है ना वो बुझ चुकी है, और ये बैठ अवैध साहब ने साइड पर ही रख दिया है। कल तक इन खेतों के उन्होंने आग लगा देनी, और ये आग बिल्कुल मदम मदम हो गई है।